वेलकम टू जीवन ज्योति क्लासेस। ओके, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स। तो पिछले चैप्टर में, पिछले क्लासेस में आपने पढ़ा होगा पॉलिनोम कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फैक्टराइजेशन, मल्टीप्लीकेशन एंड सम आइडेंटिटीज। लेकिन इस क्लास में हम पॉलिनोमियल्स में पढ़ने वाले हैं बेसिक तौर पे फैक्टर थ्योरम्स, रिमाइंडर थ्योरम्स, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड यूज ऑफ फैक्टराइजेशन। तो ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि दो चीजें हमने वहां पढ़ा था कि वेरिएबल और कॉन्स्टेंट। बात ही शुरू यहीं से करते हैं, वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट। तो वेरिएबल क्या होता है और कॉन्स्टेंट क्या होता है? ओके, तो वेरिएबल वो होता है जो वेरी करता है। वेरी करता है मतलब कि जिसका वैल्यू चेंज होते रहता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। तो जो वेरिएबल्स होते हैं वो होते हैं अल्फाबेट्स, जो भी ले लीजिए, एक्स वाई जेड के लिए हम लेते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो फिक्स नहीं है। जैसा क्वेश्चन हो, जैसी कंडीशन हो, उसके हिसाब से हम तय करते हैं। एक होता है कॉन्स्टेंट, जिसका वैल्यू फिक्स हो, लाइक ए पाई, कॉन्स्टेंट वैल्यू में जो नंबर्स आ गए वह, तो ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है। क्योंकि मान लो टू है, इसका वैल्यू चेंज नहीं होने का है। टू है तो टू है, लेकिन सपोज एक्स है, तो एक्स का वैल्यू क्या है हमें नहीं पता है, तो वो हमें फाइंड आउट करना होगा। तो कुछ भी आ सकता है। तो एक्स क्या है? वेरिएबल है। टू क्या है? कॉन्स्टेंट है। तो ये डिफरेंसेज है वेरिएबल और कॉन्स्टेंट में। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? तो बोल सकते हैं कि कॉम्बिनेशन बिटवीन द वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट एंड एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन। तो ये सारे का जो कॉम्बिनेशन बनता है तो वो हो गया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस फाइव वाई प्लस सिक्स, ठीक है। यहां पे वेरिएबल भी है, कॉन्स्टेंट भी है, सब्ट्रैक्शन भी है और एडिशन भी है। तो ये सारी चीज है। तो इसका जब कॉम्बिनेशन हो गया तो ये क्या हो गया? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। यहाँ पे एक्स और वाई जो वेरी कर सकता है, एक्स और वाई का वैल्यू फिक्स नहीं है, तो एक्स और वाई क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। सिक्स फाइव क्या हो गया? कॉन्स्टेंट हो गया, ठीक है। तो इस तरह की जो भी एक्सप्रेशन आता है इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। क्लियर? लेकिन जो मेन पॉइंट आते हैं जिसको हम बोल रहे हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का मतलब पहले समझ लो। पॉली का मतलब होता है बहुत सारा, नोमियल का मतलब होता है पद, जिसके बहुत सारे पद हो वो पॉलिनोमियल्स होगा। क्लियर? तो जो इस चैप्टर्स में हम पढ़ने वाले हैं, बेसिकली पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल्स, यानी कि वन वेरिएबल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ओके, तो पॉलिनोमियल्स को एक्सप्रेस कैसे कर दे एंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। द फॉर्म ऑफ एफ एच लाइक दिस, बोल सकते हैं क्या? एफ एच ए जीरो ए वन एक्स प्लस ए टू एच स्क्वायर प्लस ए थ्री एच क्यू प्लस ए फोर एच फोर डॉट डॉट एच एन एच पावर एन। तो इस तरह का जो फॉर्म होता है वो होता है पॉलिनोमियल। यहाँ पे एच जो होगा वो जीरो, निगेटिव नहीं हो सकता है। तो एच आर नॉन निगेटिव इंटीजर्स कॉल्ड द पॉलिनोमियल्स। इस तरह के जो फॉर्म होंगे वो पॉलिनोमियल्स होंगे यदि एच जीरो नहीं हुआ तो। एच आर नॉन निगेटिव इंटीजर्स। ओके, इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। क्लियर? तो बात कर रहे थे हम इसकी, तो एक सेकेंड और समझ लेते हैं कि जो पॉलिनोमियल से इसमें बहुत सारे पद हैं, एक दो तीन चार, बहुत सारे एन तक। तो ये पॉलिनोमियल्स हो गया जिसके बहुत सारे नोमियल्स है, बहुत सारे पद हैं। ओके,
तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो आता है जीरो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री कैसे फाइंड करते हैं, व्हाट इज द डिग्री, ये डिग्री होता क्या है। ओके तो डिग्री कैसे फाइंड करेंगे, देखिए जो भी हमने डाटा लिया ठीक है, तो ये था पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अगर इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं तो मान लेते हैं, क्या बोल सकते हैं कि 5x4 प्लस 4x3 प्लस 3x2 प्लस 2x प्लस 5। ओके तो ये सारे क्या है, पॉलिनोमियल्स हो गए। अगर ये पॉलिनोमियल्स है तो यहां पे एक कंडीशन है कि पॉलिनोमियल्स तो है लेकिन पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल क्यों, क्योंकि सब में x ही वेरी कर रहा है, सिर्फ एक x जो वेरी कर रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्लियर। तो दूसरी पॉइंट में आते हैं हम यहां से कि किस किस कंडीशन में पॉलिनोमियल हो सकता है और किस कंडीशन में पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। क्लियर। तो चलिए देखते हैं, जो पहला एक्सप्रेशन है वो क्या है, एस क्यू प्लस 3x2 प्लस 2 ठीक है, ये पॉलिनोमियल्स है बिल्कुल है। देखिए यहां पे जो पॉइंट है, दो चीजें होना चाहिए, पॉलिनोमियल्स तभी ही होगा जब जो डिग्री है, जो पावर है वो फ्रैक्शन में ना हो, नहीं निगेटिव हो ठीक है, तो ही पॉलिनोमियल होगा। हमेशा जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर्स हो, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इंटीजर्स हो, पॉजिटिव इंटीजर्स हो, तभी पॉलिनोमियल्स होगा। समझ रहे हैं पॉइंट। अगर दूसरा क्वेश्चन देखा जाए तो रूट ओवर एच फाइव अगर दूसरा क्वेश्चन देखा जाए तो बोला है रूट ओवर एच फाइव, इस तरह का है कुछ। तो रूट ओवर एच फाइव अगर है तो रूट ओवर एच फाइव प्लस 4x प्लस 2, रूट ओवर एच फाइव प्लस 4x प्लस 2, तो ये पॉलिनोमियल्स है नहीं है। तो रूट ओवर एच फाइव आ गया अगर इस तरह से आ रहा है, तो यहां पे इसको इस तरह से लिखना पड़ेगा, यहां जो फ्रैक्शन है वो जो पावर है वो फ्रैक्शन में है, जब पावर फ्रैक्शन में आ गया तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं होगा ठीक है। तो थर्ड में आते हैं इसी तरह कीजिए, तो थर्ड भी पॉलिनोमियल्स नहीं होगा या होगा, क्या दिया हुआ है, x पावर 4 प्लस एस क्यूब प्लस 3x बाई एच प्लस 2, यही है ना। तो जब ये है तो x से सबको डिवाइड करोगे तो एस क्यूब प्लस एच स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2, यानी जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो ये आएगा, ये तो पॉलिनोमियल है। क्लियर है, 3x2 - 5x पॉलिनोमियल है, हाँ पॉलिनोमियल्स है, क्योंकि इसका पावर जो है पॉजिटिव में है, इंटीजर्स है ठीक है। कौन सा पॉलिनोमियल है, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें एक वेरी कर रहा है, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। दूसरी तरफ चलते हैं 5y + 8x, ये भी पॉलिनोमियल है, लेकिन कौन सा पॉलिनोमियल है, यहां पर y भी है और x भी है, तो x और y दोनों होने के कारण ये कौन सी पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, रूट ओवर टी प्लस 3y ठीक है, तो ये जो होगा वहां पे जो पावर है रूट आया, यानी पावर क्या हो गया 1/2, जो फ्रैक्शन में आ गया, अगर फ्रैक्शन में आ गया यानी पॉलिनोमियल्स नहीं है। फोर्थ में आते हैं, फोर्थ क्वेश्चन क्या हो रहा है, एच पावर 3 प्लस एच स्क्वायर प्लस 1/h, यही बोल रहा है। जब ये बोल रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि 1/h आने का मतलब हम बोल सकते हैं कि एच पावर माइनस 1, एच का पावर क्या हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा ठीक है। जब एच का पावर माइनस हो जाएगा, इधर ये लिख लेते हैं, एस क्यू प्लस एच स्क्वायर प्लस 1/h, यही है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो एच का पावर जो है माइनस में आ जाएगा,
ठीक है, जो पॉसिबल नहीं है ये पॉलिनोमियल सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखिए जो टॉपिक है, टॉपिक की बात करते हैं, जो टॉपिक है वो है टर्म एंड कोफिशियंट ऑफ पॉलिनोमियल। टर्म एंड कोफिशियंट ऑफ पॉलिनोमियल, टर्म क्या होता है, किसी भी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर एड और सेप्टेट आता है तो वहां से टर्म डिसाइड होता है। ठीक है, तो जितना टाइम एड और सेप्टेट आएगा उससे ज्यादा एक टर्म आएगा। ओके, एच स्क्वायर माइनस फोर एच प्लस सेवन। ओके, ये एग्जाम्पल ले लिए। क्लियर। तो यहां पे क्या है, सेप्टेट है, यहां पे एड है। क्लियर, माइनस प्लस। तो ये तीन पार्ट में इसको बांट रहा है ना, तो ये तीन टर्म हो गया। टर्म कौन कौन से होगा, अगर टर्म की बात करेंगे तो टर्म कौन कौन से होगा, एच स्क्वायर माइनस फोर एच और सेवन, ये तीन टर्म होंगे। ठीक है, लेकिन कोफिशियंट की बात करेंगे तो कोफिशियंट कौन सा होगा, जो भी वेरिएबल के साथ मल्टीपल में आता है वो कोफिशियंट होता है। जैसे कि एच स्क्वायर के साथ कौन मल्टीपल में, कुछ नहीं है यानी वन है, तो वन इज कोफिशियंट ऑफ एच स्क्वायर। एच के साथ कौन से कोफिशियंट में, माइनस फोर मल्टीपल में है, तो माइनस फोर इज कोफिशियंट ऑफ एक्स। सेवन के साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो उसका तो कोफिशियंट नहीं आएगा। तो इस तरह से आप कोफिशियंट समझते हैं, समझ में आ रही बात है, क्लियर है। पॉलिनोमियल्स है फोर एच क्यूब प्लस थ्री एच स्क्वायर माइनस सेवन एच प्लस फाइव। क्लियर। तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। अगर इसके टर्म की बात करते हैं तो टर्म कौन कौन से होगा, टर्म फोर एच क्यूब थ्री एच स्क्वायर माइनस सेवन एक्स और फाइव, ये टर्म हो गए। क्लियर है। अगर हम बात करते हैं कोफिशियंट की, फोर इज कोफिशियंट ऑफ एच क्यूब। क्लियर है, फोर इज कोफिशियंट ऑफ एच क्यूब। ओके, और थ्री इज कोफिशियंट ऑफ एच स्क्वायर माइनस सेवन इज कोफिशियंट ऑफ एक्स। तो ये हो गया इसका कोफिशियंट। ओके, इसके बाद आते हैं कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, बोला है कि एच स्क्वायर का कोफिशियंट निकालना है, कि एच स्क्वायर का कोफिशियंट कौन है, यानी एच स्क्वायर के साथ कौन मल्टीपल में है। तो इसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद एच स्क्वायर का कोफिशियंट निकालेंगे। क्लियर है, तो देखते हैं एच से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो थ्री एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू फोर एच स्क्वायर। चाहे तो आप पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। यहां पे देखिए एच स्क्वायर के साथ कौन मल्टीपल में है, फोर, तो फोर इज कोफिशियंट ऑफ एच स्क्वायर। क्लियर, एनी डाउट। चलिए अब ये समझते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, कि किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री कैसे फाइंड करेंगे। ऐसे तो इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री वही होता है जो उसका मैक्सिमम पावर होता है। समझ में आ रही बात है, तो चलिए देखते हैं। लेकिन वो मैक्सिमम पावर कांस्टेंट के ऊपर नहीं होना चाहिए, लाइक इस तरह से नहीं हो कि सपोज दैट हम लिख दिए 16h स्क्वायर 5h प्लस 16h स्क्वायर प्लस 32h क्यूब। ठीक है, और इस तरह से ले लेते हैं। ओके, तो ऐसा नहीं कर सकते अपन। ये मान लीजिए एग्जाम्पल ले लिया 5h प्लस 16h स्क्वायर प्लस 32h क्यूब। ओके, तो इसमें ये देखते हैं कि जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर क्या है। ये वेरिएबल x है,
इसका मैक्सिमम पावर वन, इसका मैक्सिमम पावर, इसका मैक्सिमम पावर क्या है टू, इसका मैक्सिमम पावर थ्री है कि नहीं है। तो उसी टाइप से अगर हम आगे आते हैं तो डिग्री क्या होगा, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल इसको डिग्री हो जाएगा। तो यहां पे थ्री होगा। आप ऐसे नहीं कर सकते बाय द वे कि ये मान लीजिए फाइव एच है तो इसको ऊपर लिख दिए टू पावर फोर एच स्क्वायर और टू पावर फाइव एच क्यूब, तो टू के पावर फाइव है, मैक्सिमम पावर फाइव नहीं हो सकता। जो वेरिएबल होगा उसका जो मैक्सिमम पावर होगा वही हम डिग्री लेंगे। समझ में आ रही बात है, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर, ठीक है। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री, ठीक है। तो चलिए देखते हैं डिग्री निकालना। देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन है, टू एच पावर फोर प्लस माइनस सिक्स एच क्यूब प्लस फोर एच प्लस वन, ये है। हमें इसका मैक्सिमम पावर निकालना है, ठीक है, हमें डिग्री फाइंड करना है। तो अगर डिग्री फाइंड करना है भाई दबे तो हम ये देखते हैं कि कैसे फाइंड करते हैं, चल देख लेते हैं। तो इसका डिग्री क्या होगा, सिंपली है फोर, क्योंकि मैक्सिमम पावर क्या है फोर है, आसान है निकालना, ठीक है। इसका डिग्री क्या होगा, इस क्वेश्चन में डिग्री क्या होगा फाइव होगा, सिंपल है। जो मैक्सिमम पावर है इसका वो क्या है फाइव है। हमें ये हमेशा ये देखना है कि वेरिएबल का मैक्सिमम पावर न कि कांस्टेंट का, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, रूट में हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, डेसिमल में हो सकता है, कुछ भी। लेकिन जो वेरिएबल है उसका जो पावर है ना वो निगेटिव होगा ना वो फ्रैक्शन में होगा, नहीं रूट में तो होगा ही, क्लियर। तो इसका हम मैक्सिमम पावर देखते हैं, ये तो वेरिएबल है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं ये पॉलिनोमियल से, और इसका मैक्सिमम पावर क्या है फाइव, तो डिग्री क्या होगी फाइव। दूसरी नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक और मान लेते हैं सिक्स एच प्लस रूट ओवर थ्री, तो वेरिएबल कौन है एच, तो डिग्री क्या होगा वन। अगर बाय द वे एक और एग्जाम्पल लेते हैं फाइव, अगर फाइव आ रहा है तो इसका अगर डिग्री फाइन करेंगे तो क्या होगा, अगर फाइव है इसका मतलब ये है, इसको लिख सकते हैं किसी भी वेरिएबल का जो पावर होता है अगर जीरो होता है, किसी भी नंबर का पावर अगर जीरो होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा वन, तो फाइव इंटू वन क्या होगा फाइव, यानी एच के पावर क्या है जीरो, तो इसका डिग्री क्या होगा जीरो। तो हम बोल सकते हैं कि कोई भी कॉन्स्टेंट जो होता है उसका डिग्री क्या होता है जीरो होता है, उसका डिग्री क्या होता है जीरो होता है। जब कुछ भी नहीं है पावर में यानी वन है तो इसका डिग्री वन हुआ था, ठीक है, अगर कांस्टेंट है तो उसका डिग्री जीरो। ये तो वन वेरिएबल के लिए था, सॉरी ये तो वन वेरिएबल के लिए था। कभी हो ऐसा भी चाहता है कि डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इन टू और मोर वेरिएबल, टू और दो से ज्यादा अगर वेरिएबल एक साथ रहते हैं तो उसकी डिग्री कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो कुछ खास नहीं होता है उसके, जब डिग्री क्या होता है कि मैक्सिमम पावर होता है, तो यहां पे अगर सपोज दैट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन टू और मोर वेरिएबल्स, मान लेते हैं इस तरह से रहे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस फाइव, ठीक है, इस तरह की प्रॉब्लम्स अगर आ गया तो इसका डिग्री अगर फाइंड करना हो तो ये देखते हैं कि एक्स भी वेरिएबल है और वाई भी वेरिएबल है, एक्स का भी पावर टू है वाई का भी पावर टू है, तो मैक्सिमम पावर टू ये आ रहा है, क्लियर। लेकिन दोनों अगर मल्टीप्लीकेशंस में है तो पावर क्या होगा ऐड हो जाएगा, इसीलिए हम डिग्री इसका निकालेंगे तो क्या होगा डिग्री फोर, टू टू फोर, ठीक है। अगर सिर्फ ये रहता है एच वाई प्लस फाइव रहता है तो इसका डिग्री क्या आता है वन वन टू, समझ में। तो क्वेश्चन ऐसा है कि
सेवन एच क्यूब माइनस फाइव एच स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस थ्री एच वाई प्लस सिक्स वाई प्लस एट, ठीक है। तो इसका डिग्री निकालना है। तो ऐसे जनरली देखने पर तो पावर मैक्सिमम क्या आ रहा है, थ्री। लेकिन यहां पर देखिए एच स्क्वायर भी है और वाई स्क्वायर भी है, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो इसका डिग्री क्या होगा, फोर होगा न कि थ्री, क्योंकि मैक्सिमम पावर फोर आ रहा है। समझ में आ गई बात है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, फोर एच स्क्वायर वाई क्यू माइनस फाइव एच वाई स्क्वायर प्लस सेवन रूट ओवर टू, ठीक है। तो इसमें जो मैक्सिमम पावर है वो टू और थ्री मिला के फाइव आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए डिग्री क्या हो जाएगा, फाइव, ठीक है। चलिए कुछ प्रॉब्लम से देख लेते हैं। तो सब पहला प्रॉब्लम ये है कि सेवन एच स्क्वायर प्लस टू एच प्लस फाइव, इसकी डिग्री क्या होगी, जल्दी बताओ, टू, चलो सही है। दूसरी प्रॉब्लम्स में आते हैं, एट एच स्क्वायर वाई सॉरी एट एच वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई प्लस सिक्स, ठीक है। इसकी डिग्री क्या होगी, अगर इसकी डिग्री की बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम पावर एच वाई दोनों पे है, तो वन टू क्या हो गया, थ्री, टू वेरिएबल था। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, सेवन एन स्क्वायर एम प्लस फोर एम, इसकी डिग्री क्या होगी, जल्दी, ओके, थ्री। फोर क्वेश्चन पे आते हैं, टू जेड प्लस फाइव, फटाफट डिग्री क्या होनी चाहिए, वन। जेड का पावर क्या है, कुछ भी नहीं है, इसलिए वन। नेक्स्ट वन फाइव पे आते हैं, फोर, इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट वैल्यू है, बताया हुआ है, तो कांस्टेंट वैल्यू तो डिग्री क्या होगी, जीरो। पॉलिनोमियल को कैसे क्लासिफाइड करेंगे, तो पहला टॉपिक पे आते हैं, ऑन द बेसिक ऑफ द टर्म, टर्म के बेसिस पे पहले क्लासिफाइड करते हैं, फिर डिग्री के बेसिस पे क्लासिफाइड करेंगे। बेसिकली पॉलिनोमियल को टू टाइप से क्लासिफाइड करते हैं, टर्म के बेसिस पे और डिग्री के बेसिस पे, ठीक है। तो टर्म के बेसिस पे कैसे करते हैं, ए पॉलिनोमियल कंटेनिंग वन नॉन जीरो टर्म्स इज कॉल्ड द मोनोनोमियल्स, ठीक है। जिस पर एक टर्म्स रहता है वो मोनोनोमियल्स होता है। जैसे आप समझ सकते हैं, फाइव एक्स सेवन थ्री एच क्यूब फाइव एच वाई, ठीक है, प्लस माइनस कुछ नहीं है तो अकेला है ये। उसी तरह दूसरा होता है बायनोमियल्स, ठीक है। तो बायनोमियल्स क्या होता है, बायनोमियल्स बेसिकली क्या होता है, तो जिसका एक से ज्यादा टर्म हो, दो टर्म हो, एक से ज्यादा नहीं दो टर्म्स हो, बायो का मतलब ऐसे भी दो होता है, ठीक है। तो जिसका टू टर्म्स रहता है वो बायनोमियल्स होता है, ठीक है। तो एग्जांपल देख लीजिए, फाइव प्लस सेवन एच ये हो गया, एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये भी हो सकता है, एच माइनस वाई ये भी हो सकता है, कुछ भी दो टर्म्स। और आते हैं ट्राइनोमियल्स, जिसका तीन टर्म हो, सिंपल है, एच प्लस थ्री एच प्लस एच स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। इस तरह का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एच प्लस वाई माइनस फाइव, ठीक है, ये हो गया ट्राइनोमियल्स। अब इससे ज्यादा जब भी आता है, ठीक है, जिसके चार टर्म्स हो, फाइव टर्म्स हो, सिक्स टर्म हो, इस सबको पॉलिनोमियल्स में ले लेते हैं, उसका एक स्पेसिफिक नेम नहीं देते हैं, दैट्स कॉल्ड पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अगर हम बात करते हैं बेसिस ऑन डिग्री, डिग्री के बेसिस पे कैसे, तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन
सॉरी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ वैल्यू। तो डिग्री के बेस पे पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि जिसकी डिग्री जीरो हो, ठीक है, तो जिसकी डिग्री जीरो होगा वो कौन सा पॉलिनोमियल होगा, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल होगा, ना कि जीरो पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल होगा, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। तो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल कौन होगा, जिसकी डिग्री क्या हो, जीरो हो, ओके। और जिसकी डिग्री अगर वन होता है, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल का अगर एग्जांपल देख लेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ भी कॉन्स्टेंट वैल्यू ले लो, ये सब कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल से। दूसरे आते हैं हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर। तो लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री अगर वन रहता है, जिसकी डिग्री क्या रहेगी, वन रहेगा, तो वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। समझ में आ रहा है? तो जैसे अगर इसकी एग्जांपल देखना है तो कौन सा होगा लीनियर पॉलिनोमियल, में अगर लीनियर पॉलिनोमियल देखना है तो कुछ भी हो सकता है, एक्स एक्स प्लस वाई, क्योंकि डिग्री वन ही है, टू एक्स प्लस फाइव, ठीक है। तो ये सारे लीनियर पॉलिनोमियल है। थर्ड में आते हैं अपन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में क्या होगा, जिसका डिग्री टू हो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। तो डिग्री टू किसका होगा देख लेते हैं एग्जांपल के लिए, जिसका डिग्री टू हो, जैसे एक्स वाई प्लस फाइव, इसका भी डिग्री टू है, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का हिस्सा हो सकता है। तो यहाँ पे अगर वेरिएबल वन लेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। या फिर एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस फाइव, तो ये सारे पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे। तो इसके बाद आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। कौन सा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कौन सा होता है, जिसका डिग्री थ्री हो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो लाइक कौन सा होंगे, एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस सेवन, कुछ भी ले सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस फाइव, बस डिग्री थ्री होना चाहिए, ठीक है। इस तरह के पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल होंगे। लास्ट वन आते हैं अगर देखा जाए तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसके अंदर क्या होता है, जिसका डिग्री फोर हो, जिसका डिग्री कितना हो, फोर, तो वो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाते हैं। तो इसमें कौन से होंगे, एक्स फोर प्लस फाइव एक्स क्यू प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस सेवन, इस तरह की जो पॉलिनोमियल्स होंगे वो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा, ये तो स्पेसिफिक नेम है, इसके अलावा भी पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं जिसका डिग्री फाइव हो, सिक्स हो, सेवन हो, एट हो, ठीक है। तो उन सबको एक स्पेसिफिक नेम नहीं देके डायरेक्टली हम लोग पॉलिनोमियल्स बोल सकते हैं, या यू कैन से दैट एन पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं जिसका डिग्री फाइव हो, फाइव पॉलिनोमियल्स, ठीक है, जिसका डिग्री सिक्स हो, सिक्स पॉलिनोमियल्स, तो एन पॉलिनोमियल्स के नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो मेन टॉपिक है वो आता है जीरो पॉलिनोमियल। तो जीरो पॉलिनोमियल्स क्या होता है, बेसिकली हम समझते हैं कि जीरो पॉलिनोमियल का, जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का, जिस पॉलिनोमियल का रिजल्ट जीरो आ जाए वो जीरो पॉलिनोमियल है। ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऑल कॉन्स्टेंट वैल्यू आर जीरो। तो अगर जितने सारे कॉन्स्टेंट वैल्यू है अगर वो जीरो आ जाएगा तो अपने आप रिजल्ट जीरो आ जाएगा। तो इस तरह की पॉलिनोमियल जीरो पॉलिनोमियल कहलाएंगी। तो लाइक हम लोग जीरो पॉलिनोमियल तो और अच्छी तरह से देख लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि एक हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है, सिक्स, अगर मान लेते हैं सारे कॉन्स्टेंट वैल्यू जीरो है तो रिजल्ट जीरो होना था, ठीक है,
तो इसकी वैल्यू अगर जीरो आएगी ये जीरोज पॉलिनोमियल्स कहलाएगा, ठीक है, समझ रहे बा? अगर मान लेते हैं यहां कांस्टेंट क्या है, वन के साथ कोफिशियंट है तो वन की जगह जीरो रहेगा, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो, रिजल्ट क्या होगा? जीरो। ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं जिस पॉलिनोमियल का रिजल्ट जीरो आ जाए, एफ एच इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो वो जीरो पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। एक्स का जो वैल्यू है, जिस वैल्यू को रखने के बाद रिजल्ट जीरो आता है उसको जीरोज बोलते हैं, उसको भी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसके बेस पे दो चार क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फ्लोइंग टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन बेसिस ऑफ द टर्म। तो आपको बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है, टर्म के बेसिस पे आपको बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है, ठीक है। 4y + 3y² टर्म के बेसिस पे अगर बताना है तो कौन सा होगा? बायनोमियल। दो टर्म्स है, ठीक है, बायनोमियल्स। अगर इसके बारे में बात करते हैं तो 3x ये मोनोनोमियल्स हो गया, हो गया मोनोमियल्स। अगर इसके बारे में बात करते हैं तो 5t³ + 6t + 2 ट्राइनोमियल्स, ठीक है। नेक्स्ट वन लेते हैं के बेसिस पे कि कौन सा पॉलिनोमियल है। तो इस फर्स्ट में 3x² + 5 कौन सा है? डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री कितना है? 2 है तो कौन सा पॉलिनोमियल होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके। नेक्स्ट आते हैं z³ + 4z + 1 ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्योंकि यहां पे जो डिग्री है वो 3 है। इस तरह से और ले लेते हैं क्वेश्चन, मानते हैं 4t, यहां पे t के ऊपर जो डिग्री है 1 है, यानी क्या हो गया? लीनियर, ठीक है। तो इस तरह से सारे हो गए, ओके। चलिए, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप होमवर्क कीजिए, ठीक है। आपके स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस आएंगे, आप ट्राई कीजिए उसको, और जो भी प्रॉब्लम्स हो कमेंट में जरूर शेयर कीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके मैं आपके साथ कोऑपरेट करूंगा, आपकी हेल्प करूंगा, ओके। थैंक यू, बाय बाय।